अपने हर अल्फाजों को दुरुस्त करके आए हैं, अपने हर अल्फाजों को दुरुस्त करके आए हैं। हम महफिलों में अपनी सादगी के किस्से लाए हैं, हम महफिलों में अपनी सादगी के किस्से लाए हैं। और इतना गुरूर था उनको अपने झूठ पर क्या बताएं, इतना गुरूर था उनको अपने झूठ पर क्या बताएं। आज हर झूठ को हम इन पन्नों पर लिख के लाए हैं, आज हर झूठ को हम पन्नों पर लिख के लाए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए एक रुबाई और है कि लिखते हुए पन्नों पर गिरे हुए आंसुओं का तस्कीरा न पूछो, लिखते हुए पन्नों पर गिरे हुए आंसुओं का तस्कीरा न पूछो, अब हमसे उनके बदले हुए अल्फाजों के बारे में न पूछो। और वो मुकर कर बहुत दूर चला गया होगा अपने ख्वाब के खातिर, वो मुकर कर बहुत दूर चला गया होगा अपने ख्वाब के खातिर, मैं उसका साबिक हूँ, मुझसे उसके हालिया आशिक के बारे में न पूछो। देखिए एक और है कि लिखते लिखते मेरी कलम टूट सी गई, लिखते लिखते मेरी कलम टूट सी गई, सुनकर लफ्ज़े वफा वो हाथ से छूट सी गई, सुनकर लफ्ज़े वफा वो हाथ से छूट सी गई। और तुम पूछते हो कि कितनी मोहब्बत है तुमसे, तुम पूछते हो कि कितनी मोहब्बत है तुमसे, देखो लड़ते लड़ते खुद की आंखें नम हो गईं, खुद की आंखें नम हो गईं। अशकों का दरिया भर सा गया, अशकों का दरिया अब भर सा गया, मेरे दिल से तू अब उतर सा गया, अशकों का दरिया अब भर सा गया, मेरे दिल से तू अब उतर सा गया। और तेरी तस्वीर को चराग के सुपुर्द कर दिया था मैंने, तेरी तस्वीर को चराग के सुपुर्द कर दिया था मैंने। मोहतरमा तेरे झूठे अशकों को देख वो भी गुस्सा गया, वो भी गुस्सा गया। शेर देखिए रुबाई है कि अभी अभी मैंने कुछ लिखा है सुनाऊं क्या, अभी अभी मैंने कुछ लिखा है सुनाऊं क्या, बड़े खुश नजर आ रहे हो रुलाऊं क्या, बड़े खुश नजर आ रहे हो रुलाऊं क्या। और तुमने मोहब्बत में मुझे इतनी बुलंदियों पर बैठाया था, तुमने मोहब्बत में मुझे इतनी बुलंदियों पर बैठाया था, बहुत वक्त हो गया है खुद को सपनों से जगाऊं क्या, खुद को सपनों से जगाऊं क्या। दो चार शेर पढ़ूंगा उसके बाद फिर गजल पेश करूंगा आपके सामने कि देखिए इस तरह मेरे हर लफ्ज तुम्हारे हो जाएंगे, इस तरह मेरे हर लफ्ज तुम्हारे हो जाएंगे, तुम कहना छोड़ो हम आप कहने लग जाएंगे, हम आप कहने लग जाएंगे। इसी में देखिए ये लाजमी तो नहीं यहाँ हर शख्स मुझसे राबता करे, ये लाजमी तो नहीं यहाँ हर शख्स मुझसे राबता करे। यहाँ पर आने के बाद ऐसे ही एहसास हुआ कि कोई तो जानता नहीं किससे बातचीत की जाए। ये लाजमी तो नहीं यहाँ हर शख्स मुझसे राबता करे, मैं इतना मशहूर तो नहीं कि लोग मुझसे अदब से बात करें, कि लोग मुझसे अदब से बात करें। गीत गजल लिख दूं या तेरे खातिर किताब लिख दूं, गीत गजल लिख दूं या तेरे खातिर किताब लिख दूं, तू बेवफाई कर रहा मुझसे, तू बेवफाई कर रहा मुझसे, क्या अब तेरी औकात लिख दूं, क्या अब तेरी औकात लिख दूं। ये नाराजगी ये रूठना ये दर्द दिल सब बेकार है, ये नाराजगी ये रूठना ये दर्द दिल सब बेकार है, तुम मोहब्बत से गले लगा लो ये सब शिकवे बेकार है, ये सब शिकवे बेकार है। एक देखिए कि रुखसती से रिलेटेड लिखा था कि उसकी रुखसती से भला हम पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी रुखसती से भला हम पर क्या फ़र्क पड़ेगा, जिसके निकाह के बाद हमने इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैह राजेऊन कह दिया, राजेऊन कह दिया। अरुण भैया देखेंगे लफ्जों से अविश का इजहार नहीं होता, लफ्जों से अविश का इजहार नहीं होता, बिना देखे अब किसी को किसी से प्यार नहीं होता, किसी को किसी से प्यार नहीं होता। मोहब्बत में हमने उसके खातिर क्या क्या सितम उठाए हैं, मोहब्बत में हमने उसके खातिर क्या क्या सितम उठाए हैं, जिनकी औकात नहीं थी बात करने की उनसे भी अदब से पेश आए हैं, उनसे भी अदब से पेश आए। देखिए गजल है जिसका मतलब है कितना सच कितना झूठ बोलते हो खुदा जाने, देख लें कितना सच कितना झूठ बोलते हो खुदा जाने, अपने चेहरे से सच्चे नजर आते हो खुदा जाने, कितना सच कितना झूठ बोलते हो खुदा जाने, अपने चेहरे से सच्चे नजर आते हो खुदा जाने। और गिले शिकवे न जाने कितने हैं हमारे दरमियाँ,
गिले शिकवे न जाने कितने हैं हमारे दरमियां, तुम सब भूल कर वापस क्यों आ जाते हो, खुदा जाने खुदा जाने। इसी में देखिए कि तुम्हें देखने के खातिर मैं शीशा बन जाता हूँ। अरुण भाई बहुत हिम्मत करके शेर लिखा था कि तुम्हें देखने के खातिर मैं शीशा बन जाता हूँ, तुम पत्थर बनकर क्यों आ जाते हो, खुदा जाने खुदा जाने। और हर गलतियों को बड़ी आसानी से छुपा लेते हो, हर गलतियों को बड़ी आसानी से छुपा लेते हो, हर गलतियों को बड़ी आसानी से छुपा लेते हो, सच बताने से तुम क्यों घबरा जाते हो, खुदा जाने। इसी में आखिरी शेर देखें कि मुझे सुबह शाम जाना जाना कहकर पुकारते हो, मुझे सुबह शाम जाना जाना कहकर पुकारते हो, कितनों को इसी नाम से बेवकूफ बनाते हो, खुदा जाने खुदा जाने।